तेलंगाना वक्फ बोर्ड सीईओ शाहनवाज कासिम की अहलिया के कोरोना से मुतासिर होने की वजह से शाहनवाज कासिम लीव पर हैं, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड मीटिंग मुलतवी कर दी गई। ये बात वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज मीडिया को बताई। उन्होंने बताया कि अब वक्फ बोर्ड मीटिंग इस माह की 24 तारीख को मुनाकिद की जाएगी। बोर्ड मीटिंग की हमारे शाहनवाज कासिम जो आईपीएस ऑफिसर भी है, सीईओ भी है वक्फ बोर्ड के, उनकी वाइफ को कोरोना की वजह से जो है थोड़ा तबीयत थोड़ा ये रहने से जो है आज मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। सीईओ नहीं आए आज, उस वजह से एक हफ्ते की लीव लिए हो, तो इंशाल्लाह जो है हम लोग 24 तारीख की डेट फिक्स करें और मंडे को जो है लीगल की भी मीटिंग रखे, मेंबर्स हम लोग सब मिलके जो है लीगल ऑफिसरों को और हमारे स्टैंडिंग काउंसिलों के साथ जो है मंडे के दिन 11 बजे एक मीटिंग भी रखे हम लोग, ये कमिंग मंडे। और दूसरी चीज लीगल में भी जो है ना थोड़ा और स्ट्रांग करने के हिसाब से हमारे बोर्ड मेंबर्स हम लोग सब बैठकर जो है मंडे के दिन, कमिंग मंडे के दिन मीटिंग है। सीनियर एडवोकेट्स को भी लगा के हम लोग जो है हमारे वक्फ प्रॉपर्टियों को कैसा प्रोटेक्ट करना बोल के वो भी एक मीटिंग रखे हम लोग कमिंग मंडे। उस दिन 12 तारीख है उस दिन, क्योंकि अभी 14 से रमजान है, 13 तारीख से, और अल्लाह चाहे तो जो है ये रमजान में भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से तो जो है ना हर साल की तरह इस साल भी जो है कपड़े वगैरह जो ऐसा बांटते हो तो बांट, वो तो गवर्नमेंट हर मस्जिदों के तहत जो है ना जितने मस्जिदें हैं पूरे हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट में जैसा हर साल होता वैसा ये साल भी जो है ना तकसीम होंगी। रमजान में भी इंशाल्लाह ताला मेरी आवाम से गुजारिश है, पब्लिक से मेरी अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। ये कोरोना की वजह से कोरोना स्पीड से बढ़ रहा, क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन है, दिल्ली में भी कुछ चल रहा, यूपी में भी है, तो लिहाजा अपने तेलंगाना स्टेट में बनिस्बत इंडिया में कम अपने पास है, मगर फिर भी इस्लाम में भी है कि एहतियात करना ये कोरोना वायरस से, क्योंकि एक घर में भी किसी को होता है तो पूरा खानदान परेशान हो जाता है इससे। लिहाजा मेरी गुजारिश है आवाम से जो है मस्जिदों में भी जो है ना जैसा मक्के में मदीने में भी जो है ना दो दो तीन तीन मुसल्लियों का गैप देके नमाज पढ़ रहे, कम से कम अपने मस्जिदों में या पूरे तेलंगाना स्टेट में हैदराबाद में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके एक एक मुसल्ली की जगह छोड़ के नमाज अदा करें तो मेहरबानी होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला का खुद यह है कि मतलब एहतियात करना, अपन एहतियात करें तो जो है ना डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती, दवा की जरूरत नहीं पड़ती, दवा से ज्यादा एहतियात करना है अपने को और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, डिटॉल का यूज करिए ज्यादातर, समझे आप, सैनिटाइजर से अच्छा जो है ना डिटॉल है, क्योंकि आप लोग बोलेंगे फिर डॉक्टर सलीम कुछ तो भी व्हाट्सएप वाले जो है ना एक डायरेक्शन दे रहे बोलिए, क्योंकि मैं खुद भी डिटॉल यूज करता हूं मैं। और दूसरी बात यह है कि दावतों में भी जो है ना एक साथ फुल महफिल में जो है ना बैठ जा रहे एक साथ जो है बिल्कुल गलत है।